हुए नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए 7 सितंबर, मैं बार बार कहता हूं कि 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने जो चीजें कही उस पूरे यात्रा में, आज हम लोग देख रहे हैं कि उनकी कही हुई बातें, हालांकि वो लगातार चाहे कोरोना काल में उन्होंने कुछ कहा, वो कितने दूरदर्शी नेता है, वो चीजें प्रमाणित हो रही है कि किस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सोचिए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में जो है कि वो असंवैधानिक थी। उन्होंने यह भी चीज कहा कि अगर उद्धव ठाकरे त्याग पत्र नहीं देते समय काल चक्र को पीछे लौटा दिया जाता। तमाम टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी सरकार के पूरे गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित किया गया। उसके बावजूद भी देखिए ये सरकार जो है कि कहीं से भी जो है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं, यानी कि संवैधानिक मूल्य संवैधानिक संस्था उनके प्रति कोई सम्मान का भावना कम से कम दिखाने के लिए भी ये तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, और देखिए जनता के सामने में जो मैसेज गया ना राजीव जी, गारंटी शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभावान नहीं होता। वो जब गारंटी दे रहे थे एक एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की, सोचिए वो गारंटी तो 2 जुलाई को खारिज हो गई, और एक गारंटी जब राहुल गांधी देते हैं तो जनता विश्वास करती है। उन्होंने 5 गारंटी दिया कर्नाटक में और जनता ने विश्वास किया, और प्रथम एक तरह से कैबिनेट बैठक में ही उस 5ों गारंटियों के ऊपर भी अभी मुहर लगा दी गई। तो सोचिए अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी की छवि बनाम जो तुलना होती है और बनाम मोदी जी की छवि, तो गारंटी किसके मुख से शोभा देगा? मोदी जी के मुख से तब गारंटी, अब उनको कोई नया लाना शब्द लाना पड़ेगा, सुपर गारंटी, मेगा गारंटी, कुछ नए शब्द लाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बंगलोर की बैठक होगी, देखिए उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ बी टीम जो है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करते हैं, वो लोग ना भी जाए वहां पे, और वो ना जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन विपक्ष इसमें काफी मजबूत, और हमें मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से कुछ बड़ी चीजें निकल कर आएंगी वहां पे, जो भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा, नई तस्वीर और नई गति प्रदान करेगी। क्योंकि विपक्ष में इस समय एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ऊर्जा दिख रही है, और वो लोगों में भी ऊर्जा दिख रही है। लोग इसमें देखिए, और विपक्ष का अस्तित्व किससे है? देखिए विपक्ष का अस्तित्व कांग्रेस के ऊपर ही निर्भर है। प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2014 की कांग्रेस और 2019 की कांग्रेस और इस समय 2023 की कांग्रेस, इन तीनों में कोई तुलना नहीं है आज के समय की स्थिति में। आज के कांग्रेस के पॉलिसियों के ऊपर हम लोग सोचे, पहले आलोचना करते थे कि राहुल गांधी ने त्याग पत्र दे दिया, अब तक वो पद नहीं संभाल रहे, लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली रहा। आज भारतीय लोकतंत्र में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसके पास निर्वाचित सीधे सीधे बिल्कुल जिस निर्वाचन को पूरे दुनिया ने देखा है कि वहां पे कैसे चुनाव हुआ और निर्वाचित अध्यक्ष प्राप्त हुए वहां पे। राहुल गांधी सोचे मणिपुर जा रहे हैं क्या, दूसरे जो तमाम जो राहुल गांधी की जिम्मेवारी है मणिपुर में शांति उपस्थित कराना, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन ट्रिपल इंजन के तमाम नारे वादे करती, उनकी जिम्मेवारी नहीं है, जो तमाम जो दूसरे जो दल है उनकी जिम्मेवारी नहीं है। तो एक जो राजनीति में संवेदनशीलता होती है, जनता की बातों को सुनना समझना, उन स्थितियों ने कांग्रेस को मजबूत बनाया, और कांग्रेस के मजबूती के कारण ही विपक्षी गठबंधन की स्थिति राजीव जी मजबूत है। अगर कांग्रेस कमजोर होती तो फिर इस विपक्षी गठबंधन का भी कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था। इसलिए बंगलोर का जो मीटिंग होगी वो मीटिंग एक तरह से काफी मजबूत और निर्णायक मीटिंग होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, बंगलोर की मीटिंग मजबूत निर्णायक होगी। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कार्यक्रम समाप्त करूं, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र